पहले पीएम मोदी और फारूक पर हमला, अब निशाने पर आए उमर अब्दुल्ला। जेल से रिहा होते ही इंजीनियर राशिद ने मचा दी है हलचल। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अब एक अलग तरह का ही माहौल बन चुका है। इंजीनियर राशिद के जेल से रिहा होते ही घाटी का चुनावी माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि रिहा होने के बाद राशिद ने सबसे पहले तो पीएम मोदी और फारूक अब्दुल्ला को निशाने पर लिया। उसके बाद अब राशिद के निशाने पर फारूक के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला आ गए हैं। राशिद ने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि वो किराए के लोग हैं। तो क्या इंजीनियर राशिद अब्दुल्ला परिवार को किराए के लोग कह रहे हैं या माजरा कुछ और ही है? चलिए पहले सुनते हैं इंजीनियर राशिद का वो बयान जिसने हलचल मचा कर रख दी है। ये तो लोगों ने जवाब दिया, ये किराए के लोग नहीं थे। आपने देखा छोटी गाड़ी में आए थे, पर्सनल गाड़ी में आए थे, कोई बड़ी गाड़ी का कारवां नहीं था, अपने खर्चे पे आए थे। लोगों ने जवाब पहले ही दे दिया उसको, हार गए इलेक्शन, फिर हारेंगे, मामला खत्म। मेरे लिए इलेक्शन मसला नहीं है, मेरे लिए कश्मीर मसले का हल ढूंढना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। आपको आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए। जमात इस्लामी के लोगों की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ बातें मुझे उनसे करनी है। मैं बात तो सही करूंगा, लेकिन कौम के मुफाद में उनकी लीडरशिप से मिलकर बात करने की कोशिश करूंगा। उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली कहा था कि अफजल गोरू को फांसी देकर कोई पर्पस जो सर नहीं हुआ। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया, तब क्यों नहीं कहा, तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? किसको धोखा दे रहे हैं? पोस्ट पोल अगर ऐसी नौबत आई कि आपको अलायंस करेंगे, मुझे लगता है कश्मीरी वहां तक नौबत ही नहीं आएगी, अवामी इत्तेहाद पार्टी को भरपूर मदद मिलेगा। आई एम श्योर, आपको नहीं लग रहा? वहीं जब उमर अब्दुल्ला से इंजीनियर राशिद के इस बयान और जब उसे वो रिहा हुए हैं उनकी तरफ से आए बयानों के बारे में सवाल किया गया, तब अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो बीजेपी से सौदा तक कर बैठे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद के बारे में और क्या क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, उनको गलत फहमी है, वो बेचारे जेल में थे, सही खबर उन तक कैसे पहुँचती? उनके पास कोई फोन वोन तो था नहीं। अब गलत फहमी के शिकार है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो उमर साहब क्या कहना चाहोगे किस चीज के बारे में? सर क्या इंजीनियर रशीद ने ये भी कहा कि हम जो नया कश्मीर प्राइम मिनिस्टर का नारा है उसके खिलाफ डट के लड़ेंगे और मैं कॉन्स्टेंटली। तो फिर ना हमारे उनमें फर्क क्या है ना, हम तो पिछले 10 साल से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना। हम तो सिर्फ पिछले अगर वो जेल से बाहर आए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के नया कश्मीर के विजन को जो है उसकी मुखालफत करने के लिए, तो नई बात क्या है? वो तो पहले हमें ये बताए ना, इससे पहले इलेक्शनों में तो राय शुमारी की बात करते थे, वो राय शुमारी का नारा कहाँ गया? उसके स्टेज से अगर नारा आता था तो इल्हाक नहीं, अतूत अंग नहीं, हमें चाहिए राय शुमारी। मैं पहले तो उनके मुंह से वो नारे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके मुंह से वो नारे ना सुनूं तो मुझे लगेगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ जरूर कोई सौदा। इंजीनियर राशिद के रिहा हो जाने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज तो हुई है, लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में वो किसका कितना खेल बिगाड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट पर इंजीनियर राशिद का कितना प्रभाव दिखेगा, ये सवाल भी बेहद अहम है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।